नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग है, जिसमें मेरे साथ सुबह 7 बज चुके हैं और मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, दो बच्चे हैं अभिषेक सिंह जी और शारदा प्रसाद पात्रा जी, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से क्लासेस ले रहे हैं। और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ्यूचर में मेरी वीडियोज की अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह की लाइव क्लासेस लेना, तो आप ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जाएं, शुरुआती दौर में आप डेमो लेके देखें, आप हमारी रिकॉर्डेड डीवीडी परचेज कर सकते हैं सर। इन सबों के लिए मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभिषेक सिंह जी, कल की क्लास में मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में सिखाया था कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया था कि अगर आप बिना किसी एक्सेल की फॉर्मूले की मदद से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसी तरह से बिना एक्सेल की फॉर्मूले की मदद से आप किसी कंडीशंस को भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने कुछ डेटा दे देते, अब मुझे चेक करना है, जो डेटा आपके सामने है, मुझे इसमें ये चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर देन 50 है। ग्रेटर देन 50 कौन कौन से है, तो बस यही चेक आउट करना है कि पूरे नंबर्स में ग्रेटर देन 50 कौन कौन है। ठीक है सर? तो इसके लिए जनरली हम लोग इफ लगाते हैं ना, तो यहां पे जस्ट जाएंगे और सिलेक्ट करके लिखने लगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और हम इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दिया। पात्रा जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। तो कहने का मतलब है कि ये जो है डायरेक्टली आप अपनी कंडीशन को चेक कर सकते हैं, कंडीशन मीट जो मैंने मैच करेगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है? अगर कंडीशन को मैच हो गई तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सिंपल सा है। तो मतलब कि इफ क्यों लगाते हैं फिर? तो इफ फॉर्मूला लगाते हैं ताकि इस ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे हम अपना रिजल्ट डाल सके, जैसे ओके पेंडिंग, यस नो,
कुछ अपना रिजल्ट अगर डालना है उस केस में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ इसको सेलेक्ट किया एंड हमने बोला ओके, और यहां पे हमने लिख दिया पेंडिंग, तो हमने बोला B2 अगर है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग। आ गया? तो कहने का मतलब क्या है कि इफ जो है यहां पे जस्ट ट्रू एंड फॉल्स मांगता है, अगर तुमने ट्रू लिखा तो ओके आएगा, अगर यहां पे फॉल्स हुआ तो पेंडिंग आएगा। लेकिन हम लोग जो इफ लगाते हैं जनरली, तो यहां पे लिखते हैं इफ और सीधे बोलते हैं कि दैट इज ग्रेटर देन 50, तो यहां पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए इसका पार्ट नहीं है, ए जो ऑपरेटर है ये इसका अलग अपना आइडेंटिफिकेशन है, इटसेल्फ एक अपना आइडेंटिफिकेशन रखता है, ठीक है सर। ये चीज समझाने का मेरा मकसद यही था, कुछ एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले इफ को समझते हैं। देखिए इफ जो फॉर्मूला लगाते हैं, तो जैसे आप यहां पे आई लिखें, तो आई लिखते इफ का ड्रॉप डाउन आ जाता है, टैब मार के इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके में तीन है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। यहां पे आपको ट्रू फॉल्स देना है, यहां पे कंडीशन देनी है, और यहां पे जो वैल्यू डालोगे, अगर नंबर है तो डायरेक्ट डाल सकते हो, अगर टेक्स्ट है तो इनवर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, लॉजिकल टेस्ट दे रहे नॉर्मल है, लेकिन वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स को ब्रैकेट के अंदर में डाला गया है, कोई बड़ी ब्रैकेट के अंदर में। इसका मतलब है कि ऑप्शनल है, कि बिना लॉजिकल टेस्ट आप डाले बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट इज द रिक्वायर्ड इनपुट। लेकिन अगर लॉजिकल टेस्ट आप दे देते, इसमें दे दिया ग्रेटर देन 50 कॉमा, अब वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स जो हमारे इनपुट्स है, ये इनपुट्स है ऑप्शनल इनपुट है, मतलब कि इसको हम डाल भी सकते हैं और डालने की जरूरत भी नहीं है, मतलब कि इसको एंटर मारिए ना डालने पे फॉल्स रिजल्ट आ गया, डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसके एक दो एग्जांपल करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे यहां पे सीरियल नंबर देना है, तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके प्लस वन कर देते हैं, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि सीरियल नंबर कब तक आए, इसके आगे मैं नेम लिखता हूं। जब मैं नेम लिखता हूं यहां पे, जैसे पूजा लिखा और मैंने बोला कि जब मैं यहां पे कोई नाम लिखूं तो यहां पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो, मतलब कि सीरियल नंबर में जनरेट करना चाहता हूं कब, जब मैं कुछ लिखूं। तो इसके लिए कंडीशन होगा कि इफ कि सामने वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। हमने जीरो क्यों डाला, क्योंकि ब्लैंक सेल की वैल्यू जीरो समझी जाती है, एक्सेल में ब्लैंक सेल का मतलब जीरो होता है। तो ब्लैंक सेल की मतलब वैल्यू इट मींस जीरो।
और फिर हमने बोला कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आपने ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दे, अदरवाइज ब्लैंक, और फिर इसको नीचे तक आप ड्रैग कर। अब यहां पे दे दीजिए इन द मनी, ओम, कविता, अभिषेक जी मुझे पता है कि आपने मेरा रिकॉर्डिंग देखा हुआ है यूट्यूब पे। अब यहां पे ओम लिखेंगे तो वैल्यू आया, क्यों? क्योंकि ब्लैंक को प्लस वन नहीं कर पाया। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसा होता है कि अगर ब्लैंक करने पे अब एक एक लाइन छोड़ के भी लिखना पड़ सकता है, तो उस केस में फिर ये सीक्वेंस काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि उसके लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक्स को अपनाएंगे। हम लिखेंगे इफ अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्स इसको सेलेक्ट लिया और हमने बोला इसमें प्लस वन, अदरवाइज ब्लैंक। और नीचे ड्रैग करने से पहले इस C1 को हम F4 से फ्रीज कर देते हैं, राइट? समझ आया सर? अब सीरियल नंबर की बात हुई तो मैं चाहता हूं कि सीरियल नंबर, मैं बोला कि भाई 50 तक, मैं 10 तक या 5 तक, मैं जितना बोलू सीरियल नंबर उतना ही बने। तो इस केस में हम लिखेंगे यहां एक तो वन स्टार्टिंग कर देता हूं, नीचे लिखेंगे कि इफ अगर ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करने पे, अगर ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है, 5 नहीं मैंने कि अगर वो ग्रेटर देन ए जो वैल्यू है तो यहां पे ब्लैंक कर दे, अदरवाइज इसी को कंटिन्यू करें। लेकिन इसमें एरर के चांसेस हैं। इफ फ्रीज करके मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है? एरर आने के चांसेस हैं, तो एरर से निपटने के लिए हम यहां पे इफ एरर का इस्तेमाल करेंगे। इफ एरर क्या करता है कि इसके अंदर में अपने अंदर में जो है आप कोई वैल्यू डाल दीजिए, राइट? अपने अंदर में कोई वैल्यू डाल दीजिए, अगर वो वैल्यू जो आपने डाला है एरर दिया तो उसके जगह पे हम यहां ब्लैंक शो कर देते हैं, तो ब्लैंक आएगा। तो सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग, ठीक है? नहीं, अल्फाबेट पे आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि अल्फाबेट में मुश्किल है, क्योंकि अल्फाबेट में किसी तरह कैलकुलेशन भी होती है। अब जैसे कि वो तो डिपेंड करेगा ना कि आपका एम्प्लॉय कोड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम कुछ फिल्म निकल जाएगा। VV123 तो ये देखिए आपके आपको ये पता करना पड़ेगा कि सिक्वेंस ये जो VV123 है यहाँ पे आप करना चाहते हैं VV124, तो आपको यहाँ पे जो है एक छोटा सा ये करना, एक तो मतलब कि छोटा सा ये करना पड़ेगा, थ्योरम करना पड़ेगा कि इसमें से सिर्फ नंबर को एडजस्ट करना पड़ेगा,
अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता है कि वीबी जो है मतलब जो टेक्स्ट है वो दो लेटर ही है, तो उस केस में आप यहाँ राइट का फॉर्मूला लगाओगे और राइट में से इस थ्री नहीं थ्री तो हो सकता है ज्यादा भी हो, तो हम लेन माइनस थ्री करेंगे, माइनस लेन माइनस टू और फिर उसमें प्लस वन करेंगे और इसके साथ इसके आगे जो है इसके आगे हम देंगे लेफ्ट और इसको ट्राइंगल टू कॉन्टेक्ट। जीरो आ गया, टू करना ठीक है। हमने क्या देखिए हमने क्या किया, मैं बताता हूँ। देखिए एसी बेसिकली आगे की क्लास थी, कल एक दो क्लास बाद बताता, लेकिन मैं पहले बता रहा। पहले मैंने लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया, लेफ्ट का फॉर्मूला से इसमें से दो करेक्टर को आगे अलग कर दिया राइट। फिर मैंने यहाँ पे राइट की फॉर्मूला लगाया और बोला कि इसकी कंप्लीट लेंथ में से दो करेक्टर छोड़ के बाकी सारा अलग कर लो ठीक है, और फिर इन दोनों को हमने कॉन्कैटेनेट से कंबाइन कर लिया ठीक है। कंबाइन करते समय डी फाइव को प्लस वन कर दिया समझ गए। जितेंद्र जी क्या क्या सर इतना लेट आ रहे हैं आप, ठीक है तो रिकॉर्डिंग में अपडेट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अभी यूट्यूब पे थोड़ा देर में चली जाएगी रिकॉर्डिंग, तो मेरे चैनल से देख लीजिएगा ठीक है।